भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता काम करते हुए संघ के स्वयंसेवक भी थे, आगे बढ़ रहे थे। तब जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ अलग हुआ और तब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। और समय हमें याद है, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और ये हम सबके लिए गौरव और गर्व की बात थी कि अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राज्यों में तो बनती थी पहले भी, पर अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के विकास को एक नई दिशा प्रदान की गई। अनेकों उपलब्धियां हैं, लेकिन देश और आगे बढ़ा। और उसके बाद भारतीय राजनीति में उदय हुआ एक नए युग का। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 2014 भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई। माननीय मोदी जी, आदरणीय अमित जी के नेतृत्व में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान, जो केवल विजय के लिए नहीं था, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का था, वो लगातार आगे बढ़ता रहा। और आज हम गर्व से कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस भारत का निर्माण किया। कश्मीर से धारा 370 हटी, तीन तलाक का काला कानून समाप्त हुआ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी घटना, समाज के हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए, जिसमें सबसे ऊपर गरीब था, आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी, महिला के सशक्तिकरण का काम माता बहनों और बेटियों के कर रही है, नौजवानों को नई दिशा दे रही है। पूरा देश आज ऊर्जा से भरा हुआ है और भारत आज दुनिया में एक ऐसी ताकत है कि जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। आज हम गर्व से भर जाते हैं तब जब कभी महाशक्तियां कहलाने वाले राष्ट्र भी भारत की तरफ देखते हैं।